जय श्री राम दोस्तों। आज 24 अगस्त 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के बाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि पहले उनको दास बना करके रखा जाता था और उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, इसे हम दास दिवस कहते हैं। ये कौन मनाता थी? यूनाइटेड नेशन मनाता थी। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दो है, हाल ही में किसने द एनी बेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किया? किसने किया? तो गूगल ने शुरुआत किया ये पहल का शुरुआत, और गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिनका नाम क्या है? सुबा। और गूगल ने क्या है? फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? नियर बाय, ये लॉन्च किया है। और ऑप्शन में क्या है? एमेजन एक विक्रेता संचालित अभियान को चलाया था जिसका क्या नाम है? जिसका नाम था इतना आसान। क्या नाम है? इतना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, ये उनका नाम क्या है? तो उनका नाम लुइस रुडोल्फो क्या है? लुइस रुडोल्फो अबिनडर है। ये मैप में है, नॉर्थ अमेरिका में है। कैपिटल क्या है? तो सेंटो रिपब्लिक डोंगमिया, जो आपको मैप में दिख रहा है। करेंसी क्या है? तो डोंगमिया पैसो, करेंसी डोंगमिया पैसो। और ऑप्शन नंबर एक में किथेल रोबेल क्या थे? जो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। कौन? किथेल रोबेल। तो ये रहा मैप में। कैपिटल क्या है? तो पोर्ट इन स्पेन। करेंसी क्या है? तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो डॉलर। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? डकर फ्रांसिस्को असु, जो इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री है। कौन? डकर फ्रांसिस्को असु। ये रहा मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चार है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? ये जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवंतपुरम, ये तीनों को पट्टे पर दे दिया गया है। ये तीनों हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, हाल ही में भास्कर मैती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो भास्कर मैती एक फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने COVID-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है? तो किसने देश ने दिया? तो अमेरिका ने दिया। ये सलाइवा जो होता है, इसमें आपके मुंह के लार से चेक किया जाएगा। अब आता है अमेरिका। अमेरिका ने ऑफिशियल WHO की छोड़ने की घोषणा की है, और ओपन स्काई छोड़ने की घोषणा की है, और अमेरिका में जितने भी चाइनीज स्टॉक कंपनी है उसे डिलीट करने की घोषणा की है। अमेरिका और भारत के बीच होने वाला युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो ब्रज प्रहार, कोप इंडिया। और भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए युद्ध अभ्यास जो नौसेना के बीच हुआ था, उसका क्या नाम था? तो पासेक्स नाम था। और अमेरिका ने पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध लगाया है। तो इतने सारे हैं अमेरिका से करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात, हाल ही में भारत, हाल ही में
भारत में जापान और किस देश के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रिसिलियंस पहल शुरू हुआ है? तो किस देश के साथ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ हुआ है। किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ हुआ है। भारत में जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रिसिलियंस पहल शुरू की गए हैं। अब ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबरा। यहाँ के करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यहाँ के पीएम कौन? स्कॉट मॉरिसस। अब ऑप्शन नंबर एक में दिख रहा है क्या? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और जापान ने बांग्लादेश को 3.1 मिलियन डॉलर ऋण, अपने बड़े ऋण देने की घोषणा किया है। और बांग्लादेश ने भारतीय शहीद सैनिक स्मारक निर्माण करने की घोषणा किया है। क्या किया है? बांग्लादेश ने भारतीय सैनिक शहीद स्मारक बनाने की घोषणा किया है। अब ऑप्शन में बी में क्या? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, जो 4 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और इनका भाई है गोटाबाया राजपक्षे। ये दोनों सगे भाई जो गोटाबाया राजपक्षे हैं, वहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने परिवार के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? दिल्ली पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाने के लिए AIIA के क्या साथ समझौता किया है? अब AIIA क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ और आयुर्वेदा के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता किया है। अब बात है दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है, और भारत का पहला ईवी चालित प्लाज्मा चार्जिंग है। और दिल्ली में 5G प्लान योजना लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीक उपकरण भेजे हैं? तो किस देश में? तो मॉरिशस में भेजे हैं। तो ये रहा मैप में मॉरिशस, जो इसका कैपिटल क्या है? तो ओटिलिस। करेंसी क्या है? तो मॉरिशस रूपी। यहाँ के पीएम कौन है? तो प्रवेंद्र जगनोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, किनके द्वारा हुआ है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्या किया गया? तो भारत स्वच्छ मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। हाल ही में किस देश में बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व का खोज किया गया है? तो किस देश में किया गया? तो तुर्की में किया गया है। अब आज तुर्की की कैपिटल क्या? अंकारा, जो ए रहा मैप में। करेंसी क्या है? तो टर्किश नीरा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो तैयब इरडोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में
308 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। तो किस बैंक को? तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कौन है? सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। यहाँ के सीईओ कौन है? तो एस एस मल्लिका अर्जुन राव। और पीएनबी ने डिजिटल अपनाओ अभियान का शुरू किया था। और पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस का नया सीईओ हरदयाल प्रसाद है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ कौन है? तो हरदयाल प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो गंगोत्री नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। हाल ही में किस देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो किस देश में? तो ये पोलैंड देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। अब आते पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो वारसाव। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो आंद्रे डूडो, जो आपको मैप में दिख रहा। यहाँ के करेंसी क्या है? तो पोलिस जटोटी। यहाँ के तो ये रहा इतने सारे मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो किस देश के साथ? तो यूएई के साथ ये सेवा शुरू किया है। अब बात इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? तो यरूशलेम। यहाँ की करेंसी क्या है? तो इजराइली न्यू शेकल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो रेवेन्यू रिविलिन, जो आपको मैप में दिख रहा है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के एक शहर के नाम को बदलकर क्या रखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। यहाँ के संसद का क्या नाम है? तो नाइनसेंट। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप मेरे साथ बोलिए साथ सनातन धर्म की जय।